आगे चल के एक दिलचस्प मंजर है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आते हैं फिरौन उनको हजरत मूसा पे जादू का इल्जाम लगाता है और मुकाबले में जादूगर ला के खड़ा कर देता है। तो जादूगर हजरत फिरौन से कहते हैं कि अगर हमें कामयाबी हो गई तो क्या मिलेंगे, बहुत इनाम मिलेंगे, तुम हमारा हमारे मुकर्रब बन जाओ। तो मुकाबले में आते हैं और मुकाबले में आके एक दिलचस्प बात यह है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अदब और एहतराम से पेश आते, बदलिहाजी और बदतमीजी नहीं करते और कहते हैं जनाब आप अपना अमल करेंगे या हम करें, और ऑप्शन हजरत मूसा को देते। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जादूगरों की ये अदा अल्लाह को पसंद आ गई कि मेरे महबूब रसूल के साथ ये इतनी अदब से पेश आ रहे हैं, तो उनके ईमान और विलायत और शहादत का फैसला हो गया। और आते ही मैदान में उन्होंने ऐलान कर दिया कि मूसा जादूगर नहीं, जादू के खेल में हमसे नहीं जीत सकते थे, लेकिन जो उन्होंने दिखाया है उसका जादू से ताल्लुक ही नहीं है, ये सिवाय अल्लाह के रसूल के और कुछ नहीं हो सकते, हम इन पे ईमान लाते हैं। फिरौन ने धमकाया, डराया, सजाएं दी, आखिर कत्ल कर दिया। और देखिए चंद ही लम्हों में वही जादूगर जो कुफर के इंतहाई दर्जे पे पहुंचे हुए थे वो विलायत के इंतहाई दर्जे पे पहुंच गए। इतनी तेजी से सारे मराहिल और मनाजिल तय हो गए कि फिरौन मुंह देखता रह गया और वह शहादत पाके अल्लाह के कुर्ब में हाजिर हो गए। यहां से एक पता चला कि यह जो अंबिया की और औलिया की अजमत और उनका अदब और उनका लिहाज है ये अल्लाह को बहुत भाता है। और अगर अल्लाह के महबूब बंदों की शान में जुबान दराजी की जाए तो तौफीक सलब हो जाती है और ईमान के रास्ते बंद हो जाते हैं।